नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। आखिरकार तमाम चुनाव प्रचार के बाद वो समय आ ही गया जब अब वोटरों को तय करना है कि पार्टियों के द्वारा प्रचार कार्य किए जाने के बाद उन्होंने किसे चुना है वोट करने के लिए। पहले चरण का मतदान सामने है और उसके बाद दूसरे चरण का मतदान झारखंड में और एकमात्र चरण महाराष्ट्र में होना है। और इसी बीच 13 और 20 ये जो दो तारीखें हैं नवंबर की, इसमें 47 उपचुनाव भी होने हैं, जिसमें कि एक वायनाड की सीट है लोकसभा की और नांदेड़ की भी सीट है लोकसभा की। पर ये तमाम जो प्रचार कार्य आपने देखे पिछले 20-25 रोज में, क्योंकि उसके पहले तो टिकट के बंटवारे को लेकर के बहुत ज़बरदस्त खींचतान मची रही, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसके बाद फिर बागी खड़े हो गए, उसके बाद फिर प्रचार कार्य शुरू हुआ। तो प्रचार कार्य जब शुरू हुए तो मुद्दे सामने आने लग गए और एक के बाद एक जो मुद्दे गिनाए जा रहे थे उसकी हमने एक पड़ताल की। हमने ये समझने की कोशिश की कि 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे और अब जबकि ये चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तो इन 4-5 महीनों में बदला क्या है, क्या कोई नया मुद्दा लोगों के सामने आया है, या फिर जो मुद्दे आप लोकसभा चुनाव में देख रहे थे उन्हीं मुद्दों के सहारे विधानसभा चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। क्योंकि अगर मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो बड़ी चिंता की बात है। तो हमने यही पाया कि दरअसल मुद्दों में कोई तब्दीली नहीं है, कोई भी नया मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा जो आप कहें कि उस प्रांत विशेष जहां चुनाव हो रहा है, उस सीट विशेष जहां चुनाव हो रहा है, उसको लेकर लोग बड़े आंदोलित हैं और वो कहते हैं कि बाकी तमाम मुद्दे गौण हो गए हैं और हमारे लिए तो हमारे क्षेत्र में या हमारे राज्य में यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, और इसके अलावा आप जानते हैं कि 47 उपचुनाव हैं जो कि देश के विभिन्न भागों में होने हैं। अब ऐसे में इस आकलन का अपना एक मतलब है कि अब देखा जाए कि लोकसभा में और अभी में अगर नए मुद्दे नहीं आए हैं तो वो कौन से मुद्दे हैं जो हावी हैं, और क्या वो वही मुद्दे हैं जो कि पहले हमेशा से हावी होते रहे हैं या पहले हमेशा से चर्चा में होते रहे हैं। देखिए, अब स्थिति ये हो गई है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कहने भर के मुद्दे हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन सब मामलों को लेकर के अपनी नाराज़गी या खुशी नहीं जाहिर करता, या कर भी देता है तो इस पर वोट नहीं करता है, क्योंकि वोट करते वक्त उसे याद पड़ती है अपनी जाति, अपनी धर्म। अपना धर्म और जाति, ये दोनों एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के लोग बाग वोट करते हैं, लिहाजा ये तमाम दूसरे मुद्दे जो हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में इस बार आरक्षण का जो सवाल है वो बड़ा हावी रहा। आरक्षण के सवाल पर मराठवाड़ा में जरांगे पाटिल नाम के जो शख्स हैं जिन्होंने मराठाओं को आरक्षण मिले इसको लेकर के बड़ी मूवमेंट चलाई है पिछले 2 सालों में, हमने देखा है इस बार वो सरकार भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हैं, तो उनकी नाराज़गी क्या करती है ये हम देखेंगे। तो ये आरक्षण का सवाल भी कोई नया मुद्दा तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में शायद ये हावी था, इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हाल के हुए 4-5 महीने पहले, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, धक्का लगा, 48 में से 31 सीटें वो हार गए। इस बार ऐसा होगा क्या? किसानों की मौत, ये सवाल भी क्या इतना बड़ा था, देखना पड़ेगा, क्योंकि बहस में तो नहीं रहा, लेकिन बहस में क्या चीज रही ये अपने आप में बहुत जरूरी है जानना। और चुनाव के नज़दीक आते आते अब तो देखिए बस चुनाव डलना, वोट डलना बाकी रह गया है। जो एक मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा वो था हिंदू मुसलमान का मुद्दा। हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो तरह तरह के नारों में तब्दील होकर हमारे और आपके सामने आता रहा,
वो चाहे बात झारखंड की हो रही हो या महाराष्ट्र की हो रही हो, हिंदू मुसलमान का मुद्दा हर जगह चल रहा है। और एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि नेता अपने तरीके से घुमा घुमा करके बता रहे हैं। नारे जो बड़े ही सोच समझ करके गढ़े गए और बड़ा माकूल इफेक्ट भी उनका होते देखा गया, हम लोगों ने देखा। शुरुआत होती है योगी आदित्यनाथ के नारे से, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद से उसके जवाब तरह तरह के आए सामने, जो कि अखिलेश यादव से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे इन सबों ने दिए। और सबों के जवाब में कहीं ना कहीं एक तरफ जो सेक्युलर ताकतें हैं वो अपने वोट बैंक को सहेजने की कोशिश करती हुई, वहीं दूसरी तरफ बटोगे तो कटोगे ये बोल करके अपने हिंदुत्व के कार्ड को, हिंदू वोट बैंक को सहेजने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश। और उसी नारे को नए तरीके से प्रधानमंत्री, या यूँ कह लीजिए कि उस नारे के अगले भाग के तौर पर, एक है तो सेफ हैं प्रधानमंत्री का नारा, उन्होंने धूले में दिया। धूले वो महाराष्ट्र का जगह, उस महाराष्ट्र की सीट जहाँ से ऑल इंडिया MIM यानी कि OAC जी की पार्टी इस वक्त सिटिंग MLA है उसका, वहाँ से उन्होंने कहा एक हैं तभी सेफ हैं। और देखिए उन्होंने कहा कि जातियों में मत टूटिए, जातियों में टूटेंगे तो फिर सेफ नहीं होंगे, और सेफ नहीं होंगे तो क्या होगा, कटेंगे, वो पहले ही बता चुके हैं योगी जी। उधर दूसरी तरफ देखिए खड़गे साहब, उन्होंने भी आपा खो दिया, उन्होंने बड़े ही अजीब तरीके से हमले किए योगी आदित्यनाथ को लेकर के, और कहने लगे कि साधु है तो साधु बनकर रहे, राजनीतिज्ञ है तो फिर राजनीतिज्ञ की तरह है, एक साधु है जो राजनीतिज्ञ बनने की कोशिश करता है, और व्यक्तिगत तमाम बातें। तो इस तरह से हमने पाया ये कि एक जो एजेंडा था वो हिंदू मुसलमान का एजेंडा था, और दूसरा जो एजेंडा था वो था महिलाओं को कौन क्या दे सकता है। तो महिलाओं को कौन क्या दे सकता है, चुनाव बाद हम जीतेंगे तो आपको हर महीने इतने रुपए, ये वाली जो लाइन है हर पार्टी ने कही है। अब जैसे कि झारखंड में मैया योजना, उसकी धनराशि बढ़ा दी जाएगी, अभी दिया जा रहा है, ऑलरेडी चल रही है ये योजना सोरेन सरकार की, हेमंत सोरेन सरकार की, उसे और बढ़ाकर हम 2100 रुपये कर देंगे, अभी तो 1200 रुपये है। उसके जवाब में गोगो दीदी योजना लेकर के आ गए हैं, उन्होंने भी कहा है 2100 रुपये, माफ़ करें गोगो दीदी 2100, उन्होंने कहा है हेमंत सोरेन ने कि मैया योजना 1500 की हो जाएगी। उसके अलावा आप देखिए वहाँ चले महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना चल ही रही है, 1500 रुपये प्रति माह, और वो लगातार मिल रही है। तो राहुल गांधी गए, उन्होंने 3000 रुपये प्रति माह देंगे, इस तरह की घोषणा कर दी। तो महिलाओं को अपनी तरफ खींचो, क्या दे करके उन्हें चुनाव बाद उनके बैंकों में, उनके खाते में रुपए सरकार की तरफ से जाते हैं जाएंगे और ज़्यादा, या फिर हम आए तो हम उन देने वालों से भी ज़्यादा देंगे, इस तरह के वादों से उन्होंने महिला वोट बैंक को खींचने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ जहाँ तक पुरुष मतों का सवाल था, तो जाति के आधार पर कहीं PDA की बात करके, तो कहीं पिछड़ों और दलितों को एकत्र करने की बात करके, जहाँ इंडिया गठबंधन वाले अपने वोट बैंक को सहेज रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी कटोगे के बटोगे वाले लाइन से हिंदुत्व के कार्ड को चल रही थी। पर हमने सोचा कि ये महिला और हिंदू मुस्लिम अगर यही मुद्दे हैं, तो फिर इस आकलन से कैसे बचा जा सकता है कि हम देखें कि कितने मुसलमानों को चुनाव लड़ा रहे हैं, कितनी महिलाओं को चुनाव लड़ा रहे हैं ये पार्टी, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं को किसने क्या दिया और कितने चुनाव उन्होंने लड़ाए, ये हम आपको सेपरेट प्रोग्राम में बताएंगे। आज हम आपको बताते हैं कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में कितने पार्टियों ने कितने कैंडिडेट दिए हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार खड़े किए हैं। क्योंकि जब सारी बहस जो है वो आज आपने सुना होगा कि भाषण में प्रधानमंत्री भी उसी लाइन को ले रहे थे कि ये आपका कोटा छीन लेंगे, आपको बांट देंगे, इस तरह की बातें वो भी कह रहे थे। योगी जी भी गए थे, योगी जी भी कह रहे थे कि खड़गे जी के माता पिता को किसने मारा था, रजाकर ने मारा था, निज़ाम ने भेजे थे, वो मुस्लिम जो
उसकी सेना में थे, उन्होंने मारा था। राहुल गांधी कह रहे थे ये संविधान के खिलाफ बातें हो रही हैं, संविधान अगर पढ़ा होता तो इस तरह की बातें नहीं करते, इनके उस चाल में नहीं आना है। तो जब सब कुछ मुस्लिम्स के आसपास हो रहा है तो ये जाना बड़ा लाजमी हो जाता है कि किसने कितने मुसलमानों को टिकट महाराष्ट्र में दिया है। और जो आंकड़ा हमारे पास है उससे हम आपको भी अवगत कराएं, हम आपको बताते चलें कि 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र में 4000 कैंडिडेट हैं, 4100 कुछ कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। 288 सीटों के लिए 4136 कैंडिडेट, जिसमें से मात्र 420 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, मात्र 420 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो आप कह सकते हैं कि 288 सीटें हैं, 420 मुस्लिम उम्मीदवार ठीक तो है? जी नहीं, क्योंकि इसमें मेनस्ट्रीम पार्टी से यानी कि बड़ी पार्टियां जो हैं उसमें से किस पार्टी ने किसको दी है वो आंकड़ा हम आपको अब बताने वाले हैं। और हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, वो स्वाभाविक भी था, एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन उनके सहयोगी ने भारतीय जनता पार्टी की लाइन से अलग लाइन लेते हुए 5 उम्मीदवार अजीत पवार ने उतारे हैं। नवाब मलिक उसमें से एक है और आप जानते हैं शिवाजी मानखुर्द नगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बटोगे तो कटोगे नारे से अपनी असहमति भी जाहिर कर दी है। करते भी क्यों ना, क्योंकि 5 मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। लेकिन इसके अलावा पूरे महायुति यानी कि एनडीए में किसी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है, शिंदे हों, एकनाथ शिंदे हों या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। तो चलिए, इनकी तो राजनीति हिंदुत्व के आधार पर चलती है, तो जाहिर है कि इनको मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके बहुत फ़ायदा नहीं है। तो जिनकी राजनीति चलती है मुस्लिम वोट बैंक के उम्मीद पर, उन्होंने कितने उतारे हैं ये भी जरा देखना है। तो उसमें सबसे पहले कांग्रेस की तरफ चलें, और कांग्रेस ने सिर्फ 9 उम्मीदवार उतारे हैं, करीब 110 के आसपास उनके उम्मीदवार हैं, कुछ सीधे कुछ पर्दे के पीछे से, लेकिन उनके जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं वो 9 हैं। और ये 9 उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा दे पाई यानी कि 10% से कम कांग्रेस मैनेज कर पाई। अब सवाल ये उठता है कि इतने उम्मीदवार हो कैसे गए, फिर 400 उम्मीदवार कैसे लड़ रहे हैं? तो यहाँ आपको हम बताते चलें कि आधे से ज़्यादा इसमें जो हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, यूँ ही लड़ गए, जीतना नहीं है लेकिन लड़ गए, तो आधे से ज़्यादा तो वो हो जाते हैं। और छोटे छोटे दलों के 150 लड़ रहे हैं, तो यानी कि 200 उधर और 150 और उसमें जोड़ लीजिए, तो इन 400 उम्मीदवारों में से, 420 उम्मीदवारों में से करीब ऐसे 350 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, 450 हैं जिनके लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है वो है राष्ट्रीय पार्टियों से कौन लड़ रहे हैं और ओवैसी जी की पार्टी से कौन लड़ रहे हैं। तो ओवैसी साहब पर तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगता है, तो उन्होंने बड़ी सावधानी से इस बार काम लिया है। उन्होंने कहा कि मैं लड़ता हूं, लोग कह देते हैं कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा देते हैं, तो इस बार मात्र 16 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, कि सिर्फ 16 उम्मीदवार। और 16 उम्मीदवार उन्होंने तब उतारे हैं जब उनको महाराष्ट्र में 2 सीटें मिली थी, 2 सीटें वो जीत करके आए थे पिछली दफ़ा, और उन्हें इस बार चुनाव में उतारना था, तो उन्होंने मात्र 16 उतारी। पिछली दफ़ा उन्होंने उतारी थी करीब 50 उम्मीदवार, और इस बार उन्होंने अपना आंकड़ा कम कर दिया और उन्होंने अपना उम्मीदवार घटा करके 16 कर दिया है, और इतने ही पर वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो सीटें उनकी हैं मालेगांव और औरंगाबाद ईस्ट, ये तो उनकी सिटिंग है, इसमें ख़ास ये है कि जितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं पूरे प्रदेश में उसमें मात्र एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मालेगांव, जिसमें कि सब के सब उम्मीदवार मुस्लिम हैं। बाकी आपको हम बताते चलें कि करीब ऐसे 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, 288 में
150 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है और 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां मात्र एक मुस्लिम उम्मीदवार है, यानी कि 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर प्रेजेंस बहुत ही मिनिमम है। बाकी के 88 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उम्मीदवार हैं। और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम्स अगर इतने कम लड़ रहे हैं तो मुस्लिम महिलाएं कितनी लड़ रही होंगी। मुस्लिम महिलाओं के बारे में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन सामने आता है, ऐसा नहीं है। और आपको हम ये बताते चलें कि सिर्फ 22 उम्मीदवार हैं, सिर्फ 22 उम्मीदवार, तो एक तो मुस्लिम उम्मीदवार ही कम, और उसमें से महिलाओं का मुस्लिम समाज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो मात्र 22, यानी कि कुल 5% अमंग द मुस्लिम्स, सिर्फ 5% महिला उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो मात्र 22 उम्मीदवार 288 में चुनाव लड़ रहे हैं। जीतेंगे कितने और क्या ये सब पहुंच पाएंगे संसद, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जाहिर है कि ये बहुत आसान नहीं है महिलाओं के लिए कि चुनाव लड़ा जाए। अब देखिए कि इतने बहस में रहने वाली मुद्दे, हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे, और उन मुद्दों को जिस आश्रय चलाया जाता है, मुस्लिम आबादी एक तरफ, हिंदू आबादी दूसरी तरफ, अगर हम उनकी बात करें तो हम पाते हैं कि कैंडिडेट देने में हर पार्टी जो है वो कोताही कर रही है। यहाँ तक कि खुद ओवैसी साहब, जो कि मुसलमानों की पार्टी कहलाती है, वही खुद कोताही कर रहे हैं। उन्होंने जो 16 उम्मीदवार उतारे हैं, तो इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि 16 की 16 मुसलमान हैं, उसमें से एक चौथाई दलित हैं। और वो आप जानते हैं कि भीम और मीम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो दलित उम्मीदवारों को उन्होंने 4 खड़ा किया है और बाकी के 12 उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो ये है आंकड़ा, कुल उम्मीदवार जो 4000 हैं उसमें से मात्र 420 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और बड़ी पार्टियों में सिर्फ सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ी करने वाली कांग्रेस पार्टी 9 उम्मीदवार और अजीत पवार की 5, यानी कि 9, 5, 14 ही एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगे जो कि मुख्य पार्टियों से चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। अगर आप कुछ कैंडिडेट जोड़ लेते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा 2 MIM यानी कि ओवैसी जी की पार्टी से जीती थी, तो 3-4 और जुड़ जाते हैं उसमें, तो ये दर्जन से थोड़ा ज़्यादा, कैंडिडेट तो बहुत कम है, 288 में दर्जन से थोड़ा ज़्यादा जो कि जीत हार नंबर 1 नंबर 2 के पोजीशन में रहने वाले हैं। बाकी के उम्मीदवार जो हैं वो तो मुस्लिम समुदाय से नहीं हैं, तो फिर मुद्दे जो हैं वही क्यों हिंदू मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि मुद्दे जो हैं वो हिंदू मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कितने मुस्लिम खड़े हैं उसका आंकड़ा हमने आपको आज दे दिया। चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण के मतदान में क्या होता है, चुनाव में ख़ास तौर पर उपचुनाव में क्या होता है, क्योंकि वायनाड की भी बातें हैं, वायनाड प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, ये तमाम आपको हम बताएंगे अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो जो हमने अभी किया, इसमें आपको इन आंकड़ों पर क्या कहना है अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।